नमस्कार और आप देख रहे हैं पंतल इनेलो परिवार की बहू सुनैना चौटाला और फतेहाबाद में प्रधान महासचिव इनेलो महिला प्रकोष्ठ सुनैना चौटाला। फतेहाबाद में किया इनेलो के उम्मीदवार चरणजीत सिंह रोड़ी के कार्यालय का शुभारंभ। बीजेपी पे किया कटाक्ष, कहा इनेलो उम्मीदवार के सामने नहीं टिक पाएगी बीजेपी की सुनीता दुग्गल। सिरसा लोकसभा सीट के गाँव के नाम तक उनको नहीं पता तो चुनाव कैसे जीतेगी। वहीं सुनैना चौटाला ने कहा कि पार्टी ने अगर मौका दिया तो अपनी ही जेठानी के खिलाफ लड़ेगी चुनाव। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। जी हां, इस अवसर पर इनेलो के जिला स्तर पर सभी नेता उपस्थित थे। मीडिया से बातचीत करते हुए सुनैना चौटाला ने बीजेपी की महिला उम्मीदवार सुनीता दुग्गल पर भी जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा सुनीता दुग्गल चुनाव कैसे लड़ेगी, उनको वहाँ के गाँव के बारे में भी नहीं पता, यहाँ तक कि गांव के नाम तक नहीं जानती। ऐसे में चुनाव जीतना तो दूर की बात है, दिखाई भी नहीं देगी। वहीं सुनैना चौटाला से जब पूछा गया कि नैना चौटाला को लेकर आपकी क्या राय है तो उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो वह डबावाली से अपनी जेठानी नैना चौटाला के सामने चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब नैना चौटाला के द्वारा उनसे भुनाया जा रहा है। सुनैना चौटाला ने कहा कि वह कॉलेज टाइम से ही राजनीति में एक्टिव रही है और आने वाले दिनों में भी महिलाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उनकी राजनीति जारी रहेगी। आप देख रहे हैं फतेहाबाद से पलपल की विशेष रिपोर्ट। आज चरणजीत सिंह जी रोड़ी के कार्यालय का उद्घाटन है और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उस कार्यालय का उद्घाटन करूं। तो क्या लगता है आप चुनाव पूरे जो है जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह का आपको लोगों का समर्थन मिल रहा है? लोगों का बहुत प्यार बहुत समर्थन मिल रहा है और चरणजीत सिंह जी रोड़ी स्वयं एक बहुत ही निष्ठावान और एक सच्चे INLD के सिपाही हैं। तो मैं चाहती हूं कि मैं ये गुजारिश करूं आप सबके माध्यम से कि जितने भी INLD के कार्यकर्ता हैं, जितने भी सभी हैं, उनकी ईमानदारी का आज हमें कर्ज चुकाने का मौका मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा मतों देकर उन्हें विजयी बनाए। लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव है, मौका मिला तो आप भी चुनाव लड़ेंगे नैना चौटाला के सामने? एक्चुअली ये है कि जी ये तो एक पार्टी सुप्रीमो डिसाइड करते हैं, अगर मुझे ऊपर से हुक्म होता है और अगर वो बोलते हैं तो मैं ज़रूर लड़ूंगी। तो बाकी अन्य जो पार्टी जो प्रचार कर रही है, आपको नहीं लगता कि पार्टी ने जो है जैसे हरीश चुन्नी चौपाल नैना चौटाला जी लगातार चला रहे थे और महिलाओं का एक जो है पहले इनेलो के नाम पे चला रहे थे, मतलब सुनैना को नैना के तौर के रूप में अभय चौटाला जी ने जो एक नियुक्त करा है और आप कॉलेज टाइम से अच्छा एक्टिव रहे हैं, तो क्या इसके आप क्या कुछ परिणाम ला के देंगे पार्टी? देखिए हरी चुनरी चौपाल एक्चुअली में इंडियन नेशनल लोकदल का ही एक शुरुआत है और दूसरी बात कि मैं अपने कॉलेज टाइम में प्रधान रही हूँ तो मुझे पता है मुझे महिलाओं के लिए स्पेशल नियुक्त किया गया है, तो मैं अपनी जो महिलाएं हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं जो मेरी माताएं हैं बहनें हैं बेटियां हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूंगी। सुनीता दुग्गल जो है सिरसा में अच्छा प्रचार कर रही है, तो क्या लगता है कि वो चरणजीत रोड़ी को टक्कर दे पाएंगी? देखिए जी मैं नहीं मानती हूँ कि ठीक है वो प्रचार कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा उन्हें यही नहीं पता कि वो ताजिया खेड़ा गांव में है या तेजा खेड़ा गांव में है, वो एक लोकसभा का इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता चरणजीत सिंह रोड़ी के सामने वो कहीं भी टिक पाएंगे। डेरा फैक्टर जो माना जा रहा है मैम, इसमें डेरा के जो वोट हैं उनको लेकर बड़ी राजनीति चल रही है, तो क्या उनसे भी आपका समर्थन मांगा जा रहा है, अपील की जा रही है? हमारे लिए एक एक सदस्य सो पहले एक इंसान है, उसके बाद में जो भी उनके पीछे लगता है, जो भी हमारी जो पार्टी है वो 36 बिरादरी की पार्टी है, उसमें सभी आ सकते हैं, हम तो जाएंगे, हमारा तो फर्ज बनता है, हम सबसे एक एक वोट हमारे लिए कीमती है। किसी डेरा प्रवक्ता से किसी की आप बात चल रही है कहीं? देखिए जी मैंने आपको यही बताया, हम तो सबके पास जाएंगे, एक एक सदस्य के पास कोशिश करेंगे कि हल्के में एक सदस्य भी ऐसा ना हो कि जिससे हम वोट की अपील ना करें।